पाकिस्तान को IMF से 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान को यह धनराशि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर कंगाल पाकिस्तान फिर से इसे दिखावे और शौक में बर्बाद कर रहा है। कर्ज लेकर घी पीने वाली कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह सूट करती है। इस बार पाकिस्तान ने एक विशाल झंडा लगाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने घोषणा की है कि वह 14 अगस्त को अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 500 फीट के स्तंभ वाला झंडा फहराएगी। इसकी लागत लगभग 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होगी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जिसे खुद अगले 2 वर्षों में कम से कम 2000 करोड़ रुपए ब्याज के साथ चुकाने हैं। लाहौर के लिबर्टी चौक पर यह झंडा फहराया जाएगा। 6 साल पहले 2017 में पाकिस्तान ने अटारी वाघा सीमा पर 400 फीट ऊंचा झंडा फहराया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा झंडा है। इस झंडे का आकार 120x80 फीट है। कंगाली के कारण खाली हो रहे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को हाल ही में UAE से 1 अरब डॉलर का लोन मिला। इसके एक दिन बाद सऊदी अरब ने देश के केंद्रीय बैंक को 2 अरब डॉलर दिए थे। पाकिस्तान में पिछले साल एक भयानक बाढ़ आई थी, तब से इसकी अर्थव्यवस्था लगातार दबाव झेल रही है। बाढ़ के कारण 1739 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 20 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। पाकिस्तान को बाढ़ के कारण 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी थीं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। हालांकि अब इसकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को IMF ने 3 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। पाकिस्तान को लगभग 1.2 अरब डॉलर की अग्रिम राशि मिलेगी। बाकी का भुगतान अगले 9 महीनों में किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।